गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं स्टूडेंट्स? अच्छे ही रहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स आज का अपना इंटीग्रल है, आपको इंटीग्रेट करना है 2 upon 1 - x और मल्टीप्लाई में दिया है 1 + x2। इसे आपने x के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स करना है इंटीग्रेट। तो हम इतने टाइम से पार्शल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, ये भी बिल्कुल स्टूडेंट्स पार्शल फ्रैक्शन पे बेस ही है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। देखिए, मैंने आपको कहा था यदि आपको इस तरह से दे देता है fx/x - a, ठीक है, और मल्टीप्लाई में x2+b, यदि आपको इस तरह से दे देता है कोई भी फंक्शन, ठीक है, तो आपने किस तरह से इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है, a/x - a यानी कि ये वाला टर्म, ठीक है, प्लस bx+c/ ये वाला टर्म x2+b, यानी स्क्वायर वाला टर्म तो bx+c के नीचे आना है और जो सिंपल है जिसमें स्क्वायर नहीं है वो आना है a के नीचे। क्लियर? इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अब देखो क्या अपना क्वेश्चन इसी टाइप का है, बिल्कुल। देखो यहाँ क्या लिखा है 1 - x, यहाँ x - a है, इससे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ चीज़ें देखने की होती है। यहाँ सिंपल x है, x2 नहीं है ना, यहाँ भी x ही है बिल्कुल, और a कोई कॉन्स्टेंट है। अरे स्टूडेंट्स, यदि आप इसमें से माइनस को बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? देखो रफ में देख लेते हैं अपन, क्या आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते इंटीग्रेशन ऑफ 2 upon - हम बाहर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर गया तो x पॉजिटिव हो जाएगा और -1, ठीक है, और यहाँ क्या है x2+1। क्लियर? अब तो ये देखो इसी टाइप का बन गया, माइनस से प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखो x - a, यहाँ पर a की जगह 1 लिख दिया और b की जगह भी 1 लिख दिया, ठीक है। और बची fx क्या है, कोई भी x का फंक्शन हो, तो यहाँ fx क्या दिया हुआ आपको 2। आप सोचो कि इसमें x तो है ही नहीं, तो क्या आप इस 2 को 2x⁻⁰ ऐसे नहीं लिख सकते? अरे x⁻⁰ की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो कुछ फर्क पड़ा, 2 ही तो आना है। अब तो समझ आया fx आपको क्या दिया हुआ है, 2x⁻⁰। कुल मिला के हमारा बिल्कुल इसी टाइप का ये इंटीग्रल है। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिए इस फॉर्मूले से, क्या है आपका 2 upon 1 - x और 1 + x2, ठीक है। कैसे ब्रेक करना है, a/x - a यानी कि स्क्वायर वाला नहीं, स्क्वायर वाला ये है, यानी कि आपने लेना है 1 - x प्लस bx+c/ आना है स्क्वायर वाला, यानी कि 1 + x2, ठीक है। नाउ सॉल्व करना है हमने, a b c तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आ गया 1 - x और 1 + x2, ठीक है। तो एलसीएम लेने का सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, ये ले इसका करना है ना अभी हमें, तो 1 - x को छोड़ दो, 1 + x2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, a 1 + x2, ठीक है, प्लस bx+c। अब क्या करना है, इस ये वाला कर रहे हैं ना हम, तो इसको छोड़ो, 1 - x से इधर मल्टीप्लाई करो। अरे स्टूडेंट्स एलसीएम लोगे तब भी यही आना है, एलसीएम कैसे लेते थे आप, जो नीचे टर्म लिखा हुआ है उसमें हमने 1 - x का डिवाइड करते थे, तो 1 - x से 1 - x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 + x2, और फिर जो टर्म आती थी ऊपर मल्टीप्लाई करते, तो 1 + x2 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऐसे ही है, यही चीज़ें हैं, इतना सब कैलकुलेशन में टाइम बचे इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर, जिस ऐसे करा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ क्या चल रहा है, 2 upon 1 - x 1 + x2, ठीक है। अब देखिए 1 - x से 1 - x कैंसिल, 1 + x2 से 1 + x2, क्या बचे, ऊपर वाले टर्म एज इट इज बच चुके हैं, a 1 + x2 प्लस bx+c 1 - x। क्लियर? अब हमने क्या करना है, a b c तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो मैंने आपको सीधा सा तरीका बताया हुआ है वैल्यू फाइंड करने का, एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू सोच लेते हैं जिससे अपना इक्वेशन सिर्फ एक ही टर्म में बचे, यानी कि या तो फिर ए में या बी में या सी में। तो देखो अगर एक्स की वैल्यू 1 रख ले, तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर क्या होगा, यहाँ रखना एक्स की वैल्यू 1, 1 - 1 0, जब 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आना है, यानी कि ये टर्म ख़त्म, ठीक है, बचा क्या अपना ये वाला टर्म, इससे तो हम a की वैल्यू निकाल ही लेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर यहाँ क्या रखोगे, 2 = a 1 + x की जगह हम 1 रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर, ये 0 हो चुका है, ठीक है, 2 = a 1 का स्क्वायर 1 हो चुका है, 1 + 1 = 2, a का वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो इस 2 को डिवाइड में भेज दीजिए, 2 upon 2 = a
टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास वन, ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स वन, क्लियर। अब क्या करनी है बी और सी की वैल्यू, तो देखो अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो रख लें, अगर हम एक्स की वैल्यू जीरो रख लें तो यहाँ पर क्या आएगा देखो सॉल्व करके देख लेते हैं पहले, एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर यहाँ तो अपना टू है, यहाँ तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ए वन प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो जन है वन प्लस जीरो प्लस बी, एक्स की जगह हम क्या लिख रहे हैं जीरो, समझ आया मैंने जीरो लिखा क्यों है, देखो ये जीरो हो जाएगा बी वाला टर्म खत्म हो जाएगा और ए और सी में बच जाएगी इक्वेशन, ए की वैल्यू हम जानते हैं यहाँ रख के सी की फाइंड कर लेंगे, ठीक है। प्लस क्या है आपका सी, यहाँ क्या लिखोगे जीरो, वन माइनस जीरो वन ही हो जाएगा, ठीक है। देखो अब क्या आ गया आपका टू इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हम वन लिख देते हैं तो वन, वन प्लस जीरो वन हो चुका है, प्लस बी इंटू जीरो जीरो हो गया, यहाँ पर सी है आपका वन माइनस जीरो वन हो गया, तो टू इज इक्वल टू वन इंटू वन वन प्लस सी इंटू वन सी, आपने सी की वैल्यू फाइंड करनी है, वन को इधर भेज दीजिए एल एच एस में तो क्या आ जाएगा टू माइनस वन इज इक्वल टू सी, तो टू में से वन गया तो क्या बचा आपका वन, तो सी का वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है स्टूडेंट्स वन, ठीक है। बचा क्या अपना बी, तो बी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, या तो देखो एक्स रख लिया अभी हमने जीरो भी रख लिया तो हमारा बी का वैल्यू नहीं निकला है, ए और सी का निकला है, ठीक है। तो अब आप कुछ भी वैल्यू रख लो, तो ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है स्टूडेंट्स जिससे कि आप सिर्फ दो वेरिएबल में या एक वेरिएबल में इक्वेशन बचा सको, या तो फिर या तो सिर्फ बी में बच जाए या सी में या ए में, क्योंकि देखो जीरो रखा तो हमारा ये ख़त्म हो गया, एक रखा तो ये हो गया, ठीक है। कुल मिला के ऐसी इक्वेशन नहीं बन पाएगी कि अगर आप कुछ और रखोगे ना, जैसे टू रखोगे तो टू यहाँ पे रखोगे तो ये जीरो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, टू रखोगे यहाँ तो जीरो बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ भी टू रखोगे तो कहीं से भी जीरो नहीं बन रहा है, वन माइनस टू क्या आना है माइनस वन, कुल मिला के जीरो नहीं बन रहा ना। तो अब आपकी जो भी वैल्यू रखोगे उसमें तीनों आएंगे, उसमें ए भी आएगा बी भी आएगा सी भी आएगा, फिर ए और सी की वैल्यू रखोगे फिर बी की कहीं जाके वैल्यू आएगी, कुल मिला के बहुत लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा मेथड है मैंने जो हमेशा हर क्वेश्चन में बताती हूँ आपको, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंटों को कंपेयर करा दो, ए की वैल्यू आ चुकी है सी की आ चुकी है बी की निकालनी है ना, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशेंटों को कंपेयर कराओगे तो अपनी बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। देखो तो एक्स स्क्वायर कोफिशेंटों को कंपेयर कराइए, पहले आप इसे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स तब जाके आप एक्स स्क्वायर कोफिशेंट कंपेयर करा पाएंगे। तो देखो सॉल्व कर लेते हैं, क्या है अपना टू इज इक्वल टू ए वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, पहले बी एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपना इस ब्रैकेट से, तो क्या आएगा बी एक्स और वन माइनस एक्स, अब सी को कर लीजिए सी और वन माइनस एक्स, ठीक है। टू इज इक्वल टू ए वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ से क्या आ गया बी एक्स को वन से किया तो बी एक्स आ गया अपना, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, बी एक्स को एक्स से किया तो बी एक्स स्क्वायर प्लस, सी को वन से करा तो सी आ गया और प्लस माइनस माइनस सी को एक्स से करा तो अपना आ गया सी एक्स, ठीक है। अब कराइए आप एक्स स्क्वायर के कोफिशेंटों को कंपेयर। एक चीज़ और, यहाँ पे टू लिखा है ना तो हम यहाँ प्लस जीरो एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। प्लस जीरो एक्स स्क्वायर करने से कोई फ़र्क पड़ा, जीरो को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आना है और दो में जीरो जोड़ दे तो क्या फ़र्क पड़ा, तीन प्लस जीरो क्या कुछ चेंज हो जाता है, तीन ही रहता है ना, तो कुल मिला के ऐसे जोड़ने से यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, हमने इसलिए ऐड करा है क्योंकि हम एक्स स्क्वायर के कोफिशेंटों को कंपेयर करा रहे हैं। तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, यह एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है आपका जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा स्टूडेंट्स बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशियंट क्या है अपना माइनस बी है, तो माइनस बी कोफिशियंट कंपेयर कराने स्टूडेंट्स आते हैं आप लोगों को। देखो सीधा सा तरीका है, जहाँ एक्स स्क्वायर होना वहाँ पर देखो और एक्स स्क्वायर जहाँ पर नहीं हो सकता तो देखो ही मत, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो हमने देखा इसका कोफिशियंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या नहीं, यहाँ तो एक्स है छोड़ो, यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या बिल्कुल, तो कोफिशियंट देख लिया माइनस भी, यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं है, एक्स स्क्वायर है नहीं है छोड़ दो। अब क्या करना है ए की वैल्यू, ए की वैल्यू अभी भी निकाली थी हमने वन आई थी, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपनी रख देते हैं जीरो इज इक्वल टू वन माइनस बी, अपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बी की, तो बी को इधर साइड भेज दीजिए एल एच एस में, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या बच्चा वन,
ए बी सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू वन आई है अपनी, सी की वैल्यू भी वन, ए की भी वन। ये तो कितना इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तीनों की वैल्यू अपनी वन वन आई है, ठीक है। जब वैल्यू ही आ चुकी है तो अपनी इक्वेशन में रख दीजिए। किसी क्वेश्चन में रखोगे, इस वाली क्वेश्चन में, ठीक है। ताकि पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रख दीजिए टू अपॉन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ए की जगह भी वन लिखना है, बी और सी की जगह भी वन लिखना है। अभी अभी हमने वैल्यू निकाली थी, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस बी की जगह वन रखोगे तो क्या आएगा एक्स, अरे वन को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे एक्स ही तो बचेगा, ठीक है। प्लस क्या है सी, सी की जगह भी वन ही है अपना, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल किसका करना था हमें, इसका, इसकी तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ इंटीग्रल में वैल्यू रख दीजिए इसकी। तो आपका इंटीग्रल किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू रख देते हैं हम, वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है अपना, चल रहा है डी एक्स। इंटीग्रल किस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसका सबसे पहले अलग अलग कर लीजिए, इस पे अलग और इस पे अलग, दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपना डी एक्स, ठीक है। अब इन दोनों पे भी अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं इंटीग्रेशन, एक्स पे अलग वन पे अलग, ठीक है। इंटीग्रेशन वन अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, ठीक है। प्लस इस वन पे हम अलग अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपना डी एक्स, ठीक है। अलग अलग अप्लाई कर क्यों रहे हैं हम, तो स्टूडेंट्स इसका एक साथ इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, अलग अलग करने पर इंटीग्रेशन पॉसिबल है। क्योंकि अब आपको शायद याद भी आ गया होगा कि यहाँ कैसे इंटीग्रल होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही ये सारे फॉर्मूलाज बता चुकी हूँ जिन फॉर्मूलाज से इंटीग्रल होंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन, क्या याद है आप लोगों को फॉर्मूला। देखिए मैंने आपको बताया था वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल होता है लॉग ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इस टाइप के हम काफ़ी सारे इंटीग्रल पहले ही पढ़ चुके हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। तो मैंने आपको इसलिए यहाँ बता रही हूँ ये वाला ही सिर्फ, क्योंकि यही यूज़ आ रहा है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स नहीं बता सकते बार बार, क्योंकि एक चीज़ जो कर चुके हैं रिपीट क्यों करें उसे, नहीं, आप वहाँ इंटीग्रल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सब चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का क्या होता था इंटीग्रल, लॉग ए एक्स प्लस बी, यानी कि कंप्लीट टर्म लिख देना है, ठीक है। अपॉन में आता था एक्स का कॉफिशियंट जो कि यहाँ ए है। अपना अच्छा क्वेश्चन क्या है, वन अपॉन वन माइनस एक्स, यानी कि एक्स का कॉफिशियंट क्या है आज अपना माइनस वन। इससे कंफ्यूज मत होना कि ये एक्स बाद में लिखा है पहले लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ एक्स का कॉफिशियंट ए है, यहाँ एक्स का कॉफिशियंट क्या है आपका माइनस वन, ठीक है। और बी की जगह क्या है वन, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, लॉग वन माइनस एक्स, ये टर्म एज इट इज लिखते हैं, तो लॉग वन माइनस एक्स अपॉन में आता था ए, यानी कि एक्स का कॉफिशियंट जो कि यहाँ क्या है माइनस वन, ठीक है। समझ आया इसका इंटीग्रल, ओके। नाउ इसका इंटीग्रल अभी सॉल्व करेंगे अलग से, इसका इंटीग्रल देखो, इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो याद है स्टूडेंट्स आप लोगों को। देखिए मैंने आपको बताया था वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता था, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। यहाँ अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ए का वैल्यू इसका मतलब क्या हो गया वन, अरे इस वन को वन का स्क्वायर लिख लीजिए, एक का स्क्वायर एक ही तो होता है। अब तो कंपेयर करके बता दो, यहाँ ए है यहाँ वन का स्क्वायर है, तो यानी कि अपना ए का वैल्यू क्या है वन, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल बता देंगे फॉर्मूले से, ए की जगह सिर्फ वन लिखकर, क्लियर। दोनों का इंटीग्रल समझ आया। नाउ इसका इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल देखो सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है, सॉल्व हो जाने वाला है। क्या है अपना इंटीग्रल ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ऐसा करिए एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी मान लीजिए, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू एक्स, बचा एक्स, इसका हो गया डी एक्स, प्लस वन कांस्टेंट है सो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, इज इक्वल टू टी का हो गया अपना डी टी। तो क्या आ गया यहाँ से टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। यानी कि एक्स डी एक्स का मतलब मान क्या आ गया आपका, टू को डिवाइड में भेज देंगे डी टी बाय टू। एक्स डी एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स पुट कर दीजिए अपने क्वेश्चन में, क्या आ जाएगा डी टी बाय टू, ठीक है। अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसकी वैल्यू टी है, तो वन अपॉन टी,
टू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, वन अपॉन टी डी टी। स्टूडेंट्स इसका तो इंटीग्रल सबको याद होता है, क्या बताया था मैंने आपको, लॉग टी। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या बताया हुआ है मैंने आपको स्टूडेंट्स, लॉग एक्स। यहाँ टी है तो क्या हो जाएगा, लॉग टी। ठीक है, नाउ टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वन बाय टू लॉग टी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसका इंटीग्रल हमने फाइंड कर लिया, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, वन बाय टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा अपना आंसर, अपना आंसर आ जाएगा इसका इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का मैंने आपको बताया अभी, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी वाले फार्मूले से क्या था, लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, यानी कि अपना यहाँ ए एक्स प्लस बी क्या है, वन माइनस एक्स। तो लॉग वन माइनस एक्स अपॉन में माइनस वन, एक्स का कोफिशियंट माइनस वन है ना, प्लस इसका इंटीग्रल अभी अभी हम निकाला है क्या है, वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। इसका हमने अभी टैन इनवर्स का फार्मूला बताया आपको, क्या लिखना था आपने इस फार्मूले में, ए की जगह, ए की जगह क्या लिखना था अपन को, वन। तो रख दीजिए क्या आ जाएगा आपका, ए की जगह वन लिखोगे, वन अपॉन वन टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह वन। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आपका, आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो क्या आ जाए यहाँ से। देखो लॉग वन माइनस एक्स माइनस वन है, तो ऐसा करते हैं माइनस वाला टर्म बाद में लिखते हैं, नॉर्मली हम इसी तरह से लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर तो नहीं लिखते ना, क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लगता, ये दिखने में अच्छा लगता है पहले पॉजिटिव टर्म है बाद में नेगेटिव। ठीक है, बाद में नेगेटिव है पहले पॉजिटिव, ये थोड़ा अजीब सा लगता है, सिर्फ इसलिए ये नेगेटिव वाला टर्म बाद में लिख लूँगी, पहले पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, वन बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, माइनस है तो माइनस लॉग क्या आ गया अपना, वन माइनस एक्स, और ये वन अपॉन वन वन हो गया। ठीक है, प्लस और टेन इनवर्स एक्स, एक्स अपॉन वन एक्स हो गया। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। स्टूडेंट्स ये आ चुका है आपका आंसर, एग्जाम में लिख कर जरूर आना है सी के बारे में, हेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको यहाँ इंटीग्रल बताए हैं ना, ये आपने सॉल्व करके एग्जाम में भी बताने हैं। ठीक है, जो फार्मूला हमने यूज़ किया वो फार्मूला लिखिएगा एग्जाम में, ये फार्मूले से हम इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, यदि इस तरह से डायरेक्ट मत लिख देना, मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपने सॉल्व करके बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू।